Brought to you by Techno Camon 30 series. सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे इस बार बक्सर, सारे रिकॉर्ड में आपको कह रहा हूँ, और बहुत बड़ी जीत होगी। बिल्कुल देखिए, शाहबाद में 4 सीट, बिहार में 40 सीट और देश में 400+, ये एकदम तय है और ये होना ही होना। ये मोदी की भी गारंटी है, ये जनता की भी गारंटी है, ये प्रभु श्री राम की भी गारंटी। अंतिम चरण के मतदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में पूरी ताकत झोंक रही है। ऐसे में बक्सर के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी हमारे साथ हैं, जो बताएंगे किस प्रकार से ये इस पूरे मामले को देखते हैं। तिवारी, तैयारी तो पूरी है? पूरी तैयारी है। 400 पार के लिए जो संकल्प देश की जनता ने लिया है मोदी जी के लिए, देश की जनता उसके लिए 48 डिग्री टेम्परेचर में भी दिन रात सड़कों पर खड़ी होकर के काम कर रही है, और सब एक सुर में आवाज लगा रहे हैं, आएगा तो मोदी। लेकिन सवाल तो ये है कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो चाहे कह रहे हैं कि हमारा कोई निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो शायद राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं कि हमारा कोई यहाँ पर सामना नहीं कर सकता। वो सब लूडो खेल रहे हैं, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वो लोग लूडो खेल रहे हैं और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और आप सांप सीढ़ी देखे हैं ना, ये जितने हैं ना, ये सब आप देखिएगा 30 तारीख तक ये 99 पर रहेंगे और 1 तारीख को सीधे 0 पर चले जाएंगे। बक्सर की जनता से वादा क्या कर रहे हैं? बक्सर की जनता से मेरा एक ही वादा है कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित किया है, और प्रभु श्री राम अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं। अब उनके ज्ञान स्थली बक्सर की बारी है, और आदरणीय मोदी जी ने मुझे यहाँ उम्मीदवार बनाया है, तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि जन्म स्थान के बाद उनका ज्ञान स्थान कैसे विकसित हो। इसलिए मैंने ऐलान किया है कि बनारस के तर्ज पर बक्सर का विकास होगा और पूरी तरह बक्सर विकसित होगा, वो पर्यटन रोड मैप पर भी नंबर वन होगा। ये तो वादा पुराना हो गया, मोदी जी 2014 में आकर कहे थे कि बनारस के तर्ज पर बक्सर का विकास। राम जी तो 24 में आए हैं ना अयोध्या, तो जब राम जी अपने जन्मभूमि पर बैठ गए, तो अब राम जी अपने जन्मभूमि पर बैठे, तो इसके बाद दूसरा नंबर पर उनके ज्ञान की धरती है, और साथ ही साथ उनका ससुराल है जनकपुर। आप देखेंगे ये किस रूप में विकसित होगा। लेकिन बक्सर की जनता जो विकास की बाट जो रही है, कई ऐसे मामले हैं जहां पर लोगों का ये विश्वास नहीं हो रहा है कि बाहरी प्रत्याशी क्या वाकई विकास करेंगे, स्थानीय बस्तर बाहरी का मुद्दा। ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग बोलते हैं यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, और मुद्दा इसलिए नहीं है कि बनारस में मोदी जी गुजरात से आए हैं और मैं तो 50 किलोमीटर दूर से आया हूं, और मेरा तो यहां कम से कम हर गांव में रिश्तेदारी है, और मैंने तो अब तय किया है जीऊंगा यहीं मरूंगा यहीं। आप देखिए ना किस प्रकार से बक्सर के कार्यकर्ता और लोग हमारे साथ खड़े हैं। इस बार जीत कितना सा होना चाहिए? सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे इस बार बक्सर में, सारे रिकॉर्ड में आपको कह रहा हूं, और बहुत बड़ी जीत होगी बक्सर में। मोदी जी का उम्मीद 400 पार जाएगा? बिल्कुल देखिए, शाहबाद में 4 सीट, बिहार में 40 सीट और देश में 400+, ये एकदम तय है और ये होना ही होना। ये मोदी की भी गारंटी है, ये जनता की भी गारंटी है, ये प्रभु श्री राम की भी गारंटी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी थे, जो सीधे तौर पे गारंटी दे रहे हैं कि इस बार जो जीत होगी वो रिकॉर्ड मतों से होगी। जनता को इस बार एक ऐसा प्रत्याशी मिलेगा जो बक्सर को क्योटो बनाएगा। बिहार तक के लिए बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।